दोस्तों बीपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र वायरल होने के साथ साथ दूसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र और एंसर शीट यानी ओए मार्कशीट भी वायरल हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि इस पूरी परीक्षा रद्द की जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए। देखिए न्यूज। इस तरह से जो माफिया गिरी है, जो सेंधमारी है, ये हम लोग हर दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जनवरी को बिहार में व्यापक आंदोलन होना है और उससे पहले न्यूज 18 ने खुलासा किया है तो आर्थिक अपराध इकाई का भी काम बनता है कि 24 तारीख का भी जांच जो है। चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बता दें बीएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीएसएससी परीक्षा से जुड़ी हुई दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया है। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट इसमें वायरल हुए हैं। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट परीक्षा के बाद सेंटर पर होता है जमा, जो वायरल हो गया है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और ओएमआर बाहर लाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन ये बाहर आ गया है। आखिर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुआ ये प्रश्न पत्र, ये एक बड़ा सवाल है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, तो आखिर कैसे प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर उसे वायरल कर दिया गया। परीक्षार्थियों ने दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द करने की मांग की है, तो इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए से पहले और रजनीश संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश ये क्या हो रहा है, पहले चरण की परीक्षा पत्र वायरल हुए और अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर भी वायरल हो गया है। देखिए शिप्रा, पूरी सिस्टम में एक तरह से कहिए सेंधमारी हुई है। परीक्षा के नाम पर मजाक हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। जिस तरह से अभी न्यूज 18 के हाथ प्रश्न पत्र और जो ओएमआर सीट है हाथ लगी है, तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जब किसी भी परीक्षा के दौरान मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है, जूता तक खुलवा लिया गया इस बार, तो फिर प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया। यहाँ तक की जो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिसमें प्रश्न पत्र ओएमआर सेट जो है पूरा उसमें दिख रहा होगा, वो बेंच पर रखकर किसी अभ्यर्थियों ने परीक्षार्थियों ने फोटो ली है। जब फोटो लिया है तो आखिर आपके कैमरा कहाँ है, आपके जैमर लगा हुआ सिस्टम कहाँ है, आपके वीक्षक कहाँ है, आपके केंद्राधीक्षक कहाँ है, तमाम सवाल न्यूज 18 कर रहा है कि अब 24 तारीख जो दूसरे चरण में जो परीक्षा हुई है उसमें भी एक तरह से सेंधमारी हुई है और एक तरह से इसे भी अब वायरल के बाद लीक माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 23 तारीख की परीक्षा में प्रश्न पत्र बाहर आया था उसको आयोग ने रद्द कर दिया है 23 की इम्तिहान को, पहले चरण को, तो अब 24 तारीख को लेकर भी अब परीक्षार्थियों ने साफ कह दिया है कि 24 का भी परीक्षा रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है और जो ओएमआर सीट है जब वहां जमा हो जाना है, परीक्षा के दौरान बाहर नहीं ले जाने की अनुमति है किसी भी परीक्षार्थियों को, ना तो प्रश्न पत्र और ना ही ओएमआर, तो आखिर ये सोशल मीडिया पर मोबाइल पर कैसे बाहर आया ये ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए। बिल्कुल रजनीश, और ये सोचने वाली बात ये है कि जब 23 तारीख को पहले चरण का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल हो गए, काफी ज्यादा हंगामा हो चुका था, तो हिम्मत देखे कि दूसरे चरण का भी प्रश्न पत्र वायरल किया गया। इसका मतलब कि पहले से ये सब कुछ सेटिंग कहीं ना कहीं चल रहा था और एक बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, चाहे बीपीएससी का इम्तिहान हो, चाहे बीएसएससी का इम्तिहान हो, और हर बार कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है सेंधमारी होती है। परीक्षा से पहले ही पूरी प्लानिंग की जाती है और निश्चित रूप से एक प्लानिंग के तहत ही प्रश्न पत्र को वायरल किया जाता है और उसके बाद जो है पूरा खेल जो है सामने आता है। धीरे धीरे जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जांच के घेरे में कई लोगों को ले रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 24 दिसंबर को लेकर जिसे आयोग ने फिलहाल अनसुनी कर दिया है, अब न्यूज 18 सवाल कर रहा है, एक बड़ा खुलासा कर रहा है कि 24 दिसंबर को जो दूसरे चरण में जो परीक्षा हुई है उसमें भी बड़ी सेंधमारी हुई है और प्रश्न पत्र और वायरल। बिल्कुल, और वायरल प्रश्न पत्र हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये देखिए जो फोटो आप देख रहे हैं, ये दूसरे चरण के प्रश्न पत्र हैं जो वायरल किया गया है। बेंच पर रखकर फोटो खींची गई और उसके बाद वहां से उसे वायरल कर दिया गया। कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच रजनीश ये क्या जानकारी मिल पाई है कि ये कौन सा सेंटर है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जांच का काम जो है आर्थिक अपराध इकाई का है और बिहार सरकार की जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है, लेकिन न्यूज 18 इस ओर भी इशारा कर रहा है कि अब इसमें भी एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है दूसरे चरण को लेकर, जिसको लेकर आयोग ने अभी संज्ञान नहीं लिया है।
शायद आयोग को जानकारी नहीं होगी। अब तक वो निश्चिंत है आयोग कि 24 तारीख की परीक्षा जो है बेहतर हुई है, शांतिपूर्वक हुई है, कदाचार मुक्त हुई है, लेकिन न्यूज 18 ने खुलासा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आयोग जो है अब जांच एजेंसी को अब ये काम कहता है कि नहीं, जांच एजेंसी 24 तारीख वाले मामले पर जांच करती है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से लापरवाही हुई है, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला, बड़ी लापरवाही और बड़ी सेंध हमारी जो है सामने आई है, क्योंकि प्रश्न पत्र ओएमआर सेट जो है बाहर नहीं आना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, जैमर लगे होते हैं, जूता खुलवाए गए, उसके बाद कैसे आया, ये तमाम सवाल न्यूज 18 कर रहा है और अभ्यर्थियों के इंसाफ की मांग कर रहा है। जी जी बिल्कुल रजनीश, अभ्यर्थियों से भी क्या आपकी बातचीत हो पाई? जाहिर सी बात है उन्हें तो अभी आश्चर्यचकित होंगे वो लोग कि एक एग्जाम देते हैं वायरल होता है, दूसरा देते हैं वहां भी वायरल हो जाता है, एक के बाद एक गड़बड़ी उन्हीं लोग के साथ हो रही है। अभ्यर्थी निश्चिंत थे क्योंकि जिस तरह से 23 तारीख की परीक्षा रद्द हुई है ये खुलासा हो चुका था कि वहां पर प्रश्न पत्र वायरल हुआ और आयोग ने लापरवाही मानी। 24 तारीख को लेकर निश्चिंत थे कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और हम लोग ने इम्तिहान दे दिया है, लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों को जानकारी मिली है अब कि 24 तारीख का ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वायरल हो रहा है, उसके बाद अभ्यर्थी जो है साफ तौर से कह रहे हैं कि दोनों चरण की परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा चाहते हैं और इस तरह से जो माफियागिरी है, जो सेंधमारी है, ये हम लोग हर दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि 4 जनवरी को बिहार में व्यापक आंदोलन होना है और उससे पहले न्यूज 18 ने ये खुलासा किया है, तो आर्थिक अपराध इकाई का भी काम बनता है कि 24 तारीख का भी जांच जो है। चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।